जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि पिछले दिनों हेल्थ विभाग की ओर से लिए गए सैंपल को सर्विस सैंपल ही माने, किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए। सरकार के पास पेस्टिसाइड्स टेस्ट की कोई लैब नहीं है, यहाँ टेस्टिंग लैब की स्थापना होनी चाहिए। यह मान करते हुए गुप्ता ने बताया कि पेस्टिसाइड्स का टेस्ट प्राइवेट लैब में करवाया जाता है। राजस्थान में 700 मसाला उद्योग है। MDH मसाला से सुरेश राठी, एवरेस्ट मसाला से शैलेंद्र, गजाजन मसाला से समीर भाई, इतिहास मसाला कृपा राम, सीबा मसाले शशांक झालानी, श्याम स्पाइसेस से रामावतार अग्रवाल, विठल अग्रवाल, श्री राम उद्योग से सुमित, PCM से कृष्ण सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। नीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। PCC चीफ गोविंद डोटासरा के नेतृत्व में मौजूद नेताओं ने धरने में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि नीट पेपर लीक की मीडिया में खबरें आने के बाद भी केंद्र सरकार सच्चाई स्वीकार करने की जगह गोलमोल जवाब दे रही है। बिहार में इनके गठबंधन वाली सरकार के डिप्टी CM स्वीकार कर चुके हैं कि पेपर लीक हुआ है। इन्होंने तो बोरे भर भर कर पैसे ले लिए। मोदी को तो केवल विदेशों में जाकर अपने मित्रों की चिंता है, बाहर जाकर केवल डींगे हांकने में व्यस्त हैं। खुद की डिग्री का पता नहीं और बच्चों को पढ़ाई में सुधार का ज्ञान दे रहे हैं। पर्ची से CM बनाने का भी बड़ा घोटाला हुआ है। पपेट CM और ब्यूरोक्रेट से कितने दिन सरकार चलाएंगे? मुझ पर शिक्षा मंत्री रहते हुए और अशोक गहलोत पर गलत आरोप लगाए? हम पर आरोप लगाने की जगह जनता के लिए काम करो। बच्चों के भविष्य के साथ लूटपाट के आरोप लगाने वाले भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, किरोड़ी मीना, CP जोशी कन्हा गए। नीट परीक्षा पर क्यों नहीं बोलते? भजनलाल या तो जनता के लिए काम करे या फिर कुर्सी छोड़े। प्रदेश में योग दिवस पर योगाभ्यास किया गया। पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय एवं राज्य सरकार की सहभागिता से योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के CM भजनलाल शर्मा ने भी अपने मंत्रियों के साथ योग किया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र भी योग करते नजर आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्टेडियम पहुंचकर योगाभ्यास करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि योग करने से शारीरिक बल व मानसिक विस्तार व्यक्ति का विकास होता है। उन्होंने सबसे योग करने का भी आह्वान किया है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में सुबह 6 बजे से जयपुर के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम कराया। संस्थान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों, चिकित्सकों, कर्मचारियों के साथ 16 देशों के 70 से अधिक विद्यार्थियों और जंतर मंतर के प्रांगण में उपस्थित सामान्य जनता ने भी इस कार्यक्रम में एक साथ योग अभ्यास करके आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया और इसे नियमित करने का प्रण लिया। संस्थान में अध्ययनरत विदेशी छात्रों ने सोशल मीडिया के द्वारा अपने परिवार को इस कार्यक्रम में जोड़कर उनको योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। संजानानाउपासते अब धीरे से अपने हाथों को नीचे लेकर आए समस्थिति में। दोनों आंखों को कोमलता से खोलें। अपने शरीर एवं मन को इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।